गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, ये मैं भुवनेश्वर में हूँ और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो मैंने एक ऐसे ही शूट कर लिया। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बारिश के बाद एक एरोप्लेन जा रही थी और उड़ते वक्त वो पीछे एक लंबा सा ऐसे लाइन बना के जा रही थी, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगा तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। फिर उसी दिन मेरे बर्थडे का मेरे हस्बैंड का ओडिया कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन था, तो ये मेरी सासू माँ हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ओडिया का जो ओडिया कैलेंडर में जो तिथि होता है उसी में जन्मदिन में ऐसे किया जाता है। उस दिन लंच में हमारे घर में भुवनेश्वर में ये खाना बना था, मछली फ्राई और साग चावल, ये है साग। चावल और ये है पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उसका फ्राई। और ये ड्रमस्टिक और आलू का मस्टर्ड पेस्ट दे के एक सब्जी, तो बहुत ही टेस्टी बना था उस दिन ये सारा खाना, क्योंकि उस दिन स्पेशल दिन था जो कि मेरे हस्बैंड का उड़िया कैलेंडर के हिसाब से तिथि में जो जन्मदिन होता है वही था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भुवनेश्वर वाला घर आपको आज दिखाऊंगी। तो ये है हमारा पूजा रूम। तो आप मेरे साथ चलिए और मेरे भुवनेश्वर में जो घर है, जो हमारा परमानेंट घर है, वहाँ का वो घर देखिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं ये किचन है, तो मैं नीचे से ऊपर आई, फिर उसके बाद वो डाइनिंग स्पेस था, देन ड्राइंग रूम है और ये हमारा किचन है।
यहाँ पे बालकनी है, लिविंग रूम से बाहर निकलते ही ये बालकनी है जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट्स हैं। ये जो रूम है ये मेरे बेटे का रूम है, लेकिन वो तो यहाँ पे रहता नहीं है भुवनेश्वर में, तो वो बाहर अभी है। तो यहाँ से सामने ही मेरे इन लॉज के रूम है, यहाँ पे भी बेल्कनी है। तो हमारे घर में हर बेडरूम में बेल्कनी है। और यहाँ पे मेरा रूम है, यहाँ पे मेरी मम्मी लेट रही है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे शूट नहीं किया। तो नेक्स्ट डे हम लोग शाम में, पास में चांदी भंडार है तो वहाँ पे कुछ सिल्वर ज्वेलरी देखने गए थे, तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। तो ये पटिया भुवनेश्वर में चांदी भंडार जो है वहाँ का है, ये बहुत ही सुंदर सिल्वर ची के ज्वेलरीज हैं यहाँ पे। तो हम 19 अप्रैल को भुवनेश्वर से कोलकाता निकल चुके हैं, ये ट्रेन में है। तो ट्रेन में हम लोग एक्चुअली 10:15 को टाइम था, राइट टाइम, लेकिन वो 2 आवर्स लेट था और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। और हम लोग उस दिन बहुत ही ज़्यादा लेट पहुँचे, और उसी दिन ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, 19 अप्रैल। तो हमको जल्द से जल्द पहुँचना था घर, क्योंकि हमको कुछ थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना था, बट ट्रेन पूरा 3.5 घंटा लेट हो गया उस दिन। तो मेरे साथ आप चलिए, देखते हैं आगे मैं क्या करने वाली हूँ।
अभी हम पहुंच गए हैं खड़गपुर, जो कोलकाता से 2 घंटा लगता है। तो अभी खड़गपुर पहुंचेंगे और अभी हम देखते हैं चाय मिलता कि नहीं। हम हावड़ा पहुंच गए, ये बज गया था 9:30 रात को। एक्चुअली राइट टाइम ट्रेन का था 5:40, लेकिन हम पहुंचे 9:30, तो बहुत लेट था ट्रेन। फिर यहाँ से चल के जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हमने कुली कर लिया और टैक्सी ले लिया और फिर अपने घर की तरफ ये हावड़ा स्टेशन से निकल रहे हैं। हमने अपने मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया पहुंच के। थैंक गॉड 12 बजे से पहले पहुंच गए थे, नहीं तो बर्थडे ही ख़त्म हो जाता। तो मैंने पहले से ही केक ऑर्डर कर लिया था जो डिलीवर हो गया था मेरे आने से पहले, और फिर हमने ऐसे ही सेलिब्रेशन कर लिया, केक कटिंग कर लिया और थोड़ा सा डिनर बाहर से मंगा के खा लिया। और सिर्फ मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो ऐसे छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। और ये नेक्स्ट डे मम्मी खाना बना रही है कुछ, तो मैंने शूट कर लिया। ये भिंडी का फ्राई, भिंडी कुरकुरे बना रही थी। तो मम्मी भिंडी कुरकुरे और ये करेला का फ्राई कर रही है, बहुत टेस्टी बना था उस दिन। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।